क्या हाल चल है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में क्या करूं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन देखते रहो, आपको बहुत मजा आएगा ब्लॉग देखने में। और जिसने ब्लॉग को लाइक नहीं करा लाइक कर देना। बाकी आप लोग, अभी मेरे को अंडे उबालने हैं, दोपहर का खाना मैं बनाऊंगा। देखते हैं भाई, तुम्हारा भाई या शेफ बनेगा, थारा भाई शेफ बनेगा। ठीक है, दिखा दो क्या बनाते हैं। बाकी अभी उनको चिड़ियों को भी खाना डालना है, डेजी को भी खाना डालना है, और खुद भी खाना है। तो चलते हैं भाई। घर में अंडे उबालने लगा तो अभी से देखो, यहाँ पे ये पूरा दिन इनके साथ ही बैठी रहती है, यहीं पे इनको देखती रहती है। इसका मनोरंजन होता रहता है इसके अंदर। और ये रहते हैं यहाँ का बैठी है, बस हाय अरे हेलो करती रहती है, और काम नहीं, कुछ कुछ बोल भी लेगा, देख रही है काट लगी हुई। अगर चलो पहले से अंडे को उबाल दे छल के। टेंशन चलो तो थक गया, चलो पहले से चलते हैं उबालने के लिए। तो मैं अंडे उधर उबालने के लिए रख दिया अंडे भाई, इतने बड़े बड़े अंडे थे, ऑमलेट टोस्ट सॉरी ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है, शुक्रम इतने बड़े अंडे हैं उसके अंदर। तो अब मैं जो बनाने जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा इस टाइप का ये ट्राई कर रहा हूँ, देखो बन जाए ठीक है, नहीं बने तब भी खा लेंगे, चोर निकल जाएंगे। ये देखिए ये आ गया हमारा यहाँ पे हाफ फ्राई, ये देखिए आप, ये निकल गए दो अंडे, और ये देखिए हमारे चार यहाँ पे आ चुके हैं हाफ फ्राई यहाँ पे। ये देखिए ये आ गया येलो पार्ट यहाँ पे, और ये आ गए मसाले भैया के, और ये देखिए ऊपर से हरा धनिया डाल दी भैया ने। तो ये प्राइस क्या रहता है इसका? 350 रुपीज़। बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं यहाँ पे, डाल दिए यहाँ पे चीज़ डाल दी भैया ने, ये देखिए ये आ गई मेयोनीज, ये देखिए ये ऊपर से ग्रेवी आ चुकी है। तो देखो तो एक और येलो पार्ट आ गया यहाँ पे, और ये देखिए ये आ गए मसाले यहाँ पे, ये देखिए ये आ गई चीज़ यहाँ पे, और ये आ गई अमूल की फ्रेश क्रीम, ऊपर से बहुत ही अलग अलग टाइप की ग्रेवी बना दी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए येलो पार्ट आ गया फिर से, तो फिर से इसमें देखते हो काफ़ी सारे मसाले आ जाएंगे। और ये देखिए ये आ गई इनकी स्पेशल हरी चटनी यहाँ पे, और ये देखिए ये आ गई मेयोनीज, और ये आ गई थर्ड लेयर यहाँ पे, ये देखिए। तो ये देखिए तो मैं थोड़ा इसी टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाए ठीक है, नहीं बने तो है ना मतलब ये खा लेंगे सब कुछ, खा लेंगे ट्राई करते हैं। बाकी वही वो अंडे बॉईल हो जाए, उनमें से एक अंडा चिड़ियों को भी है फूड बना के डालना, और बेबी भी खाएगी, बाकी हम भी खाएंगे, करते हैं चलो। फिर पता नहीं क्या बने, हो जाए जो डूबड़ हो जाए ठीक है ना। तो अंडे उबले कि नहीं उबले, मेरे को लग तो रहा थोड़े थोड़े उबल गए, बाकी अंदर सीन हो गया था भाई, अंडे उबल रहे एकदम, पानी ओवरलोड भाई, बॉईल हुआ बाहर निकल गया पानी एकदम भाई साहब, फटाफट बंद करा ऐसे बाहर निकाला, और पटाखा भरी ज़्यादा नहीं तो अभी इलेक्ट्रिक शॉक, अभी शॉर्ट हो जाती नीचे की इलेक्ट्रिक, बट पता नहीं हुआ नहीं हुआ, हो ही गया आई थिंक, सारे हो गए मुझे क्या पता। कोई बात सही है, चलो इसे निकाल दें फटाफट और ऑमलेट बनाते हैं। तो यार अब अंडे निकालो, मेरे को ऐसे बताया था ना भाई अंडे इतने बड़े बड़े, ऐसा ऑस्ट्रिच के अंडे भाई साहब, इतने बड़े साल ने कभी अंडे नहीं दिए अंकल ने, आज पहली बार इतने बड़े अंडा निकाल दिया रहती है, ठंडे होंगे वो आइसक्रीम थोड़ी है, कुछ नहीं गर्म है, बनाने लगा मैं सवाल खाने पीने देख रहा हूँ बनाता हूँ, ठीक है ना, गैस ही हो रही है। अरे आगे गैस ऑन कर दिया, गैस थोड़ा सा हो जाए गर्म, इसके अंदर फाइल डालते हैं, क्योंकि मैं 5 अंडे का इकट्ठा बनाऊंगा तो थोड़ा फाइल ज़्यादा ही लगेगा। यार ऑयल ज़्यादा ही गर्म हो गया, मैंने एकदम हाई फ्लेम पर रखा था, एकदम नॉर्मल हो गया, कुछ ज़्यादा गर्म कर दिया मैंने,
पांच अंडे डालने हैं अपने को इसके अंदर। सही से टूट रही है, टेस्ट भी ना कर रही है। पाँच अंडे डालना है, इसमें पाँच अंडे डालेंगे, चार ही डाल पाएंगे हम लोग। नमक स्वाद अनुसार बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए ना, फूड ब्लॉगिंग वाले चैनल पे आकर। जिसको अच्छा लगता है खाना बनाने तो ये डिश ट्राई कर सकता है अगर वो अंडे खाता है तो। ठीक है ना, जो लोग अंडे खाते हैं वो ट्राई कर सकते हैं इसको, बहुत मस्त चीज़ बनेगी अगर बन जाए तो, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, पूरी यूज में आ जाएगा। नमक कम ना पड़ जाए, नमक कम हाफ रहे बस यही रखता भाई, नमक कम ना पड़ जाए। बिल्कुल रेडी है, बट घर वाले नहीं आए, देर हो गई, कहाँ चले गए, बोले तो बना के रख हम आ जाएंगे। हाफ पर एकदम बन चुका है, उसको भी इधर बिल्कुल और खराब ना हो जाए बंदो। बाकी अब अंडे काटे हैं तो अंडे का बीच वाला यॉर्क येलो पार्ट निकालना है अपने को, उसी ग्रेवी बनानी है तो निकालते हैं पहले उसके बाद आराम से सबके निकालने का। वाइट वाले का पता नहीं क्या सीन है भाई, वाइट वाले का खा लेंगे हम लोग से, यहाँ देखते हैं जिम खुला जिम वाले को दे देंगे, जिम में खा लेंगे जिम में बाहर। चलो ये लो वाला निकल गया, अभी एक अंडा और पड़ा है, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेंगे।
तो यार अब उसके ऊपर की ग्रेवी बनाने जा रहा हूँ, देखते हैं भाई। एक तो इतनी देर हो गई मम्मी ना आई थी, मैंने कहा बना के रख दूंगा, ठंडा होता रहेगा तो ठंडा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। अभी रुक जाते हैं थोड़ा टाइम, ऑमलेट तो बन के रेडी है, सब ग्रेवी बना रहे हैं। मजा से आ जाएगा, मतलब पता नहीं कैसे बनेगा, मुझे कुछ नहीं पता भाई। नहीं बना तो आपको बताया था, यह खा जाएगी है ना, कोई बात नहीं, बनाते हैं फिर बताते हैं आपको। बाकी अगर कोई अंडा लवर है तो उसको ट्राई कर सकता है इस अंडे को। अब तो कितनी बड़ी आ रही है, फिर फ्लैश ये ना, फ्लैश का काम नहीं आता कुछ ठीक। मुझे कुछ नहीं पता कैसे बनाना, मैं अपने आपसे हिसाब से डाल ही जा रहा हूँ। मुझे पता तेल कितना डालना है, अरे चाहता हूँ ये से हाथ तोड़ रहा है भाई, सीटें मार रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान से, मैं नहीं चाहता ना मेरे पैन लोग के ऊपर तेल की छींटे आए, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अरे इतना झाग थोड़ी बन, ये क्या हो रहा है, क्या खराब कर दिया है, खराब कर दिया, नहीं पागल है क्या, सुख बोल। सही बन गई, मम्मी कह रही कि ग्रेवी और रोटी खाने तो अलग अलग निकाल दी, जिसको जैसे खाना है जिसको डालना तो डाल के खा लेंगे, सबका अपना अपना। बाकी